दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अवचेतन मन की शक्ति को जो इंसान पहचान लेगा उसे मनचाहे सक्सेस हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। बट प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों जब भी हम अल्बर्ट आइंस्टीन, स्वामी विवेकानंद या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन महान इंसानों के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं और हमारे मन में आता है यार ये लोग कितने बुद्धिमान थे, इनका दिमाग कितना तेज था, कितना पावरफुल माइंड था इनका, और हम सोचते हैं कि मेरे अंदर इतना दिमाग कभी आ ही नहीं सकता है, इतने बुद्धिमान कभी बन नहीं सकते हैं, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आप अपने अवचेतन मन को ट्रेन करना, प्रोग्राम करना अगर सीख जाएंगे तो आप भी उतने बुद्धिमान बन सकते हैं। आप अपनी फील्ड में जीनियस बनकर सफलता को हासिल कर सकते हैं। बड़ी जॉब या बिजनेस या किसी बीमारी से ठीक होना है, इन सभी चीजों की पाने की शक्ति आपके अवचेतन मन के पास है। एक पेड़ जितना ऊपर तक दिखाई देता है उसकी उतनी जड़ें अंदर तक छिपी होती हैं। आप जो भी सोचते हैं वो चेतन मन की मदद से सोचते हैं। यदि हम विचार और इच्छाओं को अपने अवचेतन मन की जड़ों तक पहुंचा सकें तो उस इच्छा, उस विचार को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन नेचर भगवान की शक्तियों से जुड़ा हुआ है और नेचर से जुड़ी शक्तियां अवचेतन मन को चाहिए, हमारे सपने साकार कर देती हैं। अब हमें अपने अवचेतन मन को इस तरह ट्रेंड करना है कि जो भी हम लाइफ में चाहते हैं हमारे मन चाहे सपने पूरे हो सके। सबसे पहले तो आपको अपने अवचेतन मन को बताना होगा कि आप क्या चाहते हो, आप अपने अवचेतन मन से क्या चाहते हो, क्योंकि हमारे ये ब्रेन का एक हिस्सा है, ये आपकी बात जरूर सुनेगा। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, आपने नोटिस किया होगा अपने घर में आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता अपने टाइम पर उठ जाते हैं, बिना किसी अलार्म के अपने समय पर ही उठ जाते हैं, 5 बजे 6 बजे जितना टाइम उठने का है, चाहे वो कितनी देर रात से सोए हों या कितना भी लेट सोए हों, कितनी भी रात तक जागते रहे हों, लेकिन जब उनका उठने का टाइम होगा तो उठ ही जाएंगे बिना किसी अलार्म के। पता ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी प्रैक्टिस की है, अपने अवचेतन मन में एक अलार्म लगा लिया है कि उनके उसी टाइम पे उसे ठीक डिसाइड किए हुए टाइम पे उठा देता है। आप सुबह रनिंग करने जाते हो, आपका मन करता आज मैं रनिंग करने जाऊंगा, 4 बजे उठूंगा, 5 बजे उठूंगा, 3 बजे उठूंगा, लेकिन आप क्या उठ नहीं पाते हो। लेकिन आप 10 बार 5 बार ट्राई करो डेली, मैं उठना है उठना है उठना है, तो उठ ही जाऊंगा। आप 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करो, आप नहीं उठ पा रहे हो, लेकिन आप जो 1 वीक तक कंटिन्यू उसको ट्राई करेंगे, आप मैंने डिसाइड किए हुए टाइम पर 100% मैं गारंटी देता हूं आप उठ जाएंगे। कि मेरे बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैं लाइफ में नहीं करता था, लेकिन आज की डेट में कर रहा हूं, मैं अभी कर लूंगा, आधे घंटे बाद कर लूंगा, ऐसा कर, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे ये काम आज फिनिश करना है, खत्म करना है, तो करना ही है। आप अगर 1 वीक 100% में गारंटी देता हूं, अगर आप ट्राई करेंगे ना तो गारंटी है कि आप लोग डिसाइड किए हुए टाइम पे उठ जाएंगे, आप जो काम करना चाहते हैं वो भी होगा। या सिर्फ एक एग्जांपल था उठने का, हम अपनी रियल लाइफ में क्या चाहते हैं, आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं उसे कम से कम 10 बार 15 बार दिन में रिपीट करो, 24 आवर्स में 15 बार कम से कम उसे रिपीट करो कि आप क्या चाहते हो। अगर आप उसे दोहराना शुरू कर दोगे आपके अवचेतन मन में जितना ही पक्का होगा उतना आपको फायदा होगा। जितना आप उसे रिपीट करोगे आपका मनचाहे सक्सेस आपको मिलेगी। जितना आपके अवचेतन मन में पक्का होता चला जाएगा आप उसके उतने ही करीब होते जाओगे। उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके अवचेतन मन में अभी ये प्रोग्राम हुआ है, ट्रेंड हुआ है कि नहीं हुआ है। और जब तक सपना और इच्छा और आपके आइडियाज अवचेतन मन में प्रोग्राम नहीं होगा तब तक वह काम करना शुरू नहीं करेगा। आप जो भी चाहते हो उसे दोहराना शुरू कर दो, कम से कम 24 आवर्स में 10 से 15 बार। मैं खुद अपने कामों को नहीं करता था, आज कर लूं, कल करूंगा, परसों करूंगा, 2 घंटे का कर लूंगा, यही करता था। लेकिन अब मैं हर रोज 24 घंटे में जो करना चाहता हूं रोज करता हूं, उसे रिपीट करता हूं सोने से पहले, सुबह जागते हैं तब भी बोलता हूं हां ये काम मुझे आज खत्म करना है। इससे आपको एक मोटिव मिलता, हां मुझे काम करना है तो करना ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि अवचेतन मन में कोई भी निगेटिव बातें ना लाए,
कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मैं स्टडी नहीं कर सकता, ये मेरे लिए मैथ मेरे लिए हार्ड है या इंग्लिश हार्ड है, कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड है, कोई भी काम या जॉब कुछ भी हार्ड है, ये फैक्ट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, आपके अवचेतन मन में नहीं होना चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। ये आपके लिए बुरा साबित हो सकता है, ये आपको उदास करता है, निराश। आपका माइंड है ना सोचने में सक्षम है, लेकिन जब सोचते हो ये काम नहीं कर सकता तो आप वहीं से वापस आ जाते हो कि मैं ये कल कर लूंगा, ये अगले दिन कर लूंगा। ऐसा नहीं करना है, आप अपने अवचेतन मन को ट्रेंड रखो, उसको मजबूत बनाओ, हाँ मैं ये कर सकता हूं। इससे आपको एक मजबूती मिलेगी और आपका अवचेतन मन है आपकी सहायता भी करेगा कि आप क्या चाहते हो उससे, क्योंकि वो एक ब्रेन का आपके हिस्सा है, आपकी हर बात सुनता है, लेकिन आप उसके लिए एक्टिव नहीं हो, क्योंकि अवचेतन मन को इससे मतलब नहीं है कि आप उसे पॉजिटिव कह रहे हैं या नेगेटिव कह रहे हैं। उसका काम है लगातार दिए हुए कमांड को सच बनाना, इसलिए जहां तक कोशिश करना अपने अवचेतन मन को अच्छे विचार और अच्छे थॉट्स देने की कोशिश करें। आपका अवचेतन मन बहुत ही स्ट्रांग है, आप अच्छा सोचेंगे तो उससे भी अच्छा ही करेंगे। आपकी जिंदगी में हर एक डिसीजन आपके दिमाग को बदल देता है, आपका एक डिसीजन निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, वो आपको दिमाग के हिस्से को हिला के रख देता है कि आपने डिसीजन कौन सा लिया है। इस लाइफ में हर डिसीजन महत्व होता है कि आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, इसलिए अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्सियस माइंड को कंट्रोल और ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल करना भी जरूरी है, उसको ट्रेंड करना बहुत जरूरी है, और जहां तक हो सके उसको पॉजिटिव और अच्छे विचार अच्छे थॉट्स देने की कोशिश करें। आपको एक एग्जांपल लेते हैं, आप बहुत सारा काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, 5 बज गए 8 बज गए 12 घंटे में काम करते हुए, आपको महसूस भी नहीं हुआ कि आप थक गए। उसी टाइम पे आपका फ्रेंड आ जाता है, यार तू बहुत थक गया, तेरा बहुत चेहरा अजीब सा लग रहा है, तो आपने तुरंत ऐसे करके देखा, हाँ यार बहुत थक गया, मेरा चेहरा अजीब सा लग रहा है, मैं बहुत थकान महसूस हो रही है। उसने सजेस्ट किया और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि सच में आज मैं थक गया हूं। दूसरा इंसान आगे अगर आपको बोले निगेटिव बातें, आपके माइंड में फीड करे, उससे पहले ही अपने दिमाग में आपको फीडिंग शुरू कर देनी है पॉजिटिव की। निगेटिव के लिए कोई चांस और स्पेस कोई भी ना बचे किसी भी जगह में। आपका माइंड है ना आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप किन बातों पर ध्यान दे रहे हो। जैसे उसने बोल दिया आप थक गए, बहुत महसूस कर रहे, आपने एक्सेप्ट किया, सजेस्ट उसने किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं थक गया हूं आज। इसे लाइफ में किसी दूसरे इंसान के बोलने से पहले ही, अगर वो नेगेटिव बोलता है, उससे पहले आपको अपने माइंड में फीडिंग शुरू कर देनी है। दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं कि पुराने जमाने में लोग कैसे थे, कोई अगर बीमार होता था तो हॉस्पिटल या डॉक्टर नहीं थे, तो साधु बाबा थे तो उनके पास जाते थे कि आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीमार हूं, मुझे ये बीमारी है, न कोई तो बीमारी का नाम अच्छे जानता था, तो उनके पास सिर्फ एक ही था ताबीज। उस टाइम पे उन लोगों का अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड कैपेसिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो उस ताबीज को पहन के ठीक होते थे। बाबा ने बोल दिया हाँ ये ताबीज ले जाओ, आप 100% ठीक हो जाओगे। वो ताबीज लेके जाते थे, पहनते थे और ठीक भी हो जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे अवचेतन मन बहुत ही स्ट्रांग था। लेकिन आज की डेट में किसी को बोल दो ये ताबीज पहन लो तो बुखार ठीक हो जाएगा, कैंसर की तो बात अलग है, लेकिन ताबीज पहनने से आपका बुखार भी ठीक नहीं होगा। अब इस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड की पावर कैपेसिटी जो है कम हो गई है, उस टाइम पे लोगों में कितना धैर्य था, अवचेतन मन कितना मजबूत था कि ताबीज पहनने से सिर्फ उनकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती थी। तो आपको भी यही करना है, मुझे भी यही करना है, सबको यही करना है। अगर आपको सक्सेस सफलता पानी है तो अवचेतन मन को, सबकॉन्सियस माइंड को कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग करना होगा। मैं भी बहुत सारे ऐसे काम था कि आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा या अगले हफ्ते कर लूंगा, ऐसा करते थे, लेकिन अब नहीं। अब आज अगर डायरी में नोट पैड कर लिया है मुझे करना है तो आज खत्म करना है तो करना ही है, चाहे मुझे उसके लिए 8 घंटे 10 घंटे क्यों लग जाए, और मैं करता हूं आज डेट में। इसलिए अपना एक गोल सेट कर लो जो आप करना चाहते हो,
उसे फोकस करो। सबसे बड़ी बात यही है कि आपकी पावर कैपेसिटी बनाए रखना बहुत जरूरी होती है, और प्लस आप चेतन मन जो आपका है उसको भी स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें, और जहां तक हो सके फीडिंग जो है ना पॉजिटिव थॉट के रखें तो ज्यादा बेटर होगा। जिससे कोई भी इंसान अगर बोलेगा भी ना तो आपके कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इधर सुना इधर से निकाल दिया बस। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन और दबा देना, जिससे आने वाली आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। सब ठीक है फिलहाल।